द रॉक रोमन रिंग्स को धोखा देने वाले हैं। माइशल शिवानी और मैं कुछ दिनों से WWE रिलेटेड कंटेंट रेगुलर बना रही हूँ, तो आज की इस वीडियो में काफी कुछ अपडेट देने वाली हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्वीट की। इस ट्वीट में केविन नैश ने बोला था कि ड्रू मैकइंटायर बेस्ट हील सुपरस्टार है अभी के टाइम। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से सुपरस्टार हील सुपरस्टार है, रोमन रिंग्स, द रॉक या ड्रू मैकइंटायर? उसके बाद केविन नैश ने द रॉक के बारे में भी बोला। उन्होंने बोला पहले वो कितने अच्छे हील सुपरस्टार थे और उन्होंने ये भी बोला कि द रॉक ना सिर्फ एक अच्छे रेसलर है बल्कि एक गुड एक्टर और स्पोर्ट्स एंटरटेनर। उसके बाद आपको ये बता दें कि रिया रिप्ले प्रियंका ब्लेयर को सपोर्ट करने आने वाली है। तो आप लोगों को ऐसा जरूर लग रहा होगा कि क्या रोमन रिंग्स को द रॉक धोखा देने वाले हैं। देखा जाए तो अभी के टाइम पे WWE फैंस की निगाहें एक बार फिर से द ब्लडलाइन ग्रुप पे ही टिकी हुई है। WWE चैंपियन द रॉक भी इस खतरनाक फैक्शन का हिस्सा बन गए हैं और कई फैंस का ऐसा भी मानना है कि फ्यूचर में द रॉक अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स को धोखा दे सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रेट रैपर आइस क्यूब के बेटे ओशिया जैक्स को प्रो रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। उनकी नजर इस टाइम द ब्लडलाइन की स्टोरी पर ही टिकी हुई है। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोमन रिंग्स से आगे शरण ले लेंगे। तो आपको बता दें ओशिया जैक्स ने WWE हॉल ऑफ फेम बुकर टी के पॉडकास्ट हॉल ऑफ द फेम में पार्टिसिपेट लिया। उस टाइम उन्होंने इतना कुछ कहा द रॉक के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लेना। और इस बात की काफी हाई प्रेडिक्शन है कि WWE रेसलमेनिया XL की फर्स्ट नाइट में इन एक्शन में नजर आ सकते हैं द रॉक। एलिमिनेशन चैंबर 2024 के टाइम कॉडी रोड्स ने द रॉक को मैच के लिए चैलेंज किया था। उस टाइम द रॉक ने स्मैकडाउन के शो के टाइम उनकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया। उसी टाइम द रॉक ने यह भी कहा था कि वो और रोमन रिंग्स रेसलमेनिया XL की फर्स्ट नाइट में कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का सामना करने के लिए रेडी। जैसा कि आप जानते हैं इसको लेकर द रॉक ने कुछ शर्तें भी रखी थी। जैसा कि द रॉक ने कहा था कि अगर वो और रोमन रिंग्स मैच जीत जाते हैं तो वो रेसलमेनिया XL के मेन इवेंट में ब्लडलाइन ग्रुप कोई भी मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। वही अगर वो दोनों मैच हार जाते तो रोमन रिंग्स के अगेंस्ट मैच में कोई भी दखल देने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा द रॉक ने कहा था। और आपको बता दें कॉडी रोड्स ने इस चैलेंज को लेकर कहा कि वो जवाब स्मैकडाउन में ही देंगे। एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि रोमन रिंग्स को मिली बहुत बड़ी धमकी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इस वीक के स्मैकडाउन में काफी बवाल मचने वाला है क्योंकि रिंग में रोमन रिंग्स, द रॉक, कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार देखने वाले हैं रिंग में एक साथ। तो आपको बता दें ब्लू ब्लड के मैनेजर निक एल्डिस ने सभी को धमकी दे दी। निक एल्डिस ने स्मैकडाउन के नेक्स्ट एपिसोड से पहले ही सभी सुपरस्टार को दे दी है धमकी और उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने भी नियम को तोड़ा तो उन्हें डायरेक्ट बिल्डिंग से निकाल दूंगा। निक एल्डिस ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको पता है स्मैकडाउन में जब ये चारों रिंग में एक साथ होंगे तो रिंग की हालत खराब हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने पहले ही बता दिया सबको कि वो कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन चारों सुपरस्टार रिंग में क्या क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा अवेलेबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय।